बोली सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ भगवान की दया हो, माता पिता गुरुदेव की दया हो, बाबा जी की कृपा हो। अध्याय 25 प्राकथन। दया करें सब जीव पर ब्रह्म अवतार, नमन करें उनके चरण योगी राज करतार। सदा संत चूड़ामणि कारज शुभ करवाए, वंदन साईं चरण का जीवन ध्येय बनाए। प्रेम स्वरूपा साईं है चरण कमल विश्वास, सभी मनोरथ पूर्ण हो भक्तन की है आस। मन विचार है मांड जी साईं चरित्र लिखाए, क्षमता बुद्धि कार्य की शक्ति लगाए। चंद्रमणि के सम लिखे साईं चरित्र महान, अमृत वर्षा हो रही भक्त करें रसपान। साईं की भक्ति करें साईं कष्ट मिटाए, दुख के कड़े पहाड़ को रक्षा साईं कराए। रक्षा साईं कराए, रक्षा साईं कराए। दामू अन्ना नाम के भक्त प्रसिद्धि पाए, राम जन्म शुभ पर्व पर भोजन ध्वजा कराए। दामू अन्ना को व्यापार की राय, रुई का व्यापार, मुंबई वाले मीत की पाती अन्ना पाए। आओ मिल धंधा करें लाभ बहुत हो जाए, सामा को पाती मिली पूछे साईं राय। मस्जिद में बाबा मिले पाती दई बताए, साईं सब कुछ जानते पितर लोकी नाथ। अन्ना उड़ना चाहता किस्मत ना दे साथ, सामाने पाती पड़ी पढ़कर वे समझाए। साईं ने बिन बांच ही सब कुछ दिया बताए, दामू अन्ना चाहते करूं रुई व्यापार। साईं बाबा ने कहा घाटा होए अपार, सामाने उत्तर लिखा जस साईं कह जाए। और साथ ये भी लिखा आप स्वयं आ जाए, अन्ना शिरडी आए के साईं से मिल जाए। साईं बाबा ने कहा मत व्यापार बढ़ाए, जो विचार बाबा करें अन्ना सुनता जाए। साईं के इनकार से धंधा नहीं कराए, धंधा नहीं कराए। अनाज का व्यापार, फिर अन्ना यूं बोलता करूं अन्य व्यापार। बाबा जी ने कह दिया ये भी है बेकार, साईं ने सांची कही अन्ना मन ना भाए। बच्चा मीठा मांगता माता करे मनाए, बाबा जी की बात को अन्ना ने ली मान। धंधे दो ना किए हुई न कोई हान, ये धंधे जिसने किए बहुत हान हो जाए। जो माने साईं वचन जीवन सुखी बनाए, जीवन सुखी बनाए। आम का पार्सल आना और अन्ना को पुत्र प्राप्त होना। गोवा से एक पार्सल राले रहे बिजाए, मधुर 300 भरे अमीठे आम रखाए। भक्तों में वितरण हुए साईं चार रखाए, दामू अन्ना से कहें इसको तू खा जाए। दामू अन्ना भगत की ऐसी हालत होए, तीन तीन शादी करें पर संत
संतान न होए। खाने दो मर जाने दो बाबा जी कह जाए। बाबा जी की बात सुन अन्ना मन घबराए। महल सापति समझाए के उसको अर्थ बताए। मरण शब्द इसके लिए मद को दूर भगाए। अन्ना मन में होए खुश बैठा आम खवाए। जब अन्ना खाने लगा साई करे मनाए। नहीं आम तेरे लिए तेरे न कोई पूत। छोटी पत्नी को खिला पाए पूतरी पूत। ज्योतिष निर संतान कहे साई आठ बताए। सभी आम ले घर गया छोटी पत्नी खवाए। छोटी पत्नी खवाए साई के आशीष से आठ रतन पा जाए। चार पुत्री के सहित चार पुत भी पाए। श्रद्धा और विश्वास से जो दर्शन कर जाए। बाबा के आशीष से कार्य सफल हो जाए। साई आज समाधि में भाव पूर्व तय होए। मन में हो विश्वास तो मनसा पूर्ण होए। पूर्ण रूप श्रद्धा रहे साई पर विश्वास। दे त्याग के बाद भी संचारित हो आस। हस्ती होंगी इस तरह जस साई की होए। यही समाधि बात करे चलती फिरती होए। भक्तन भाव अनन्य हो शरणागत हो जाए। आस समाधि से मिले कार्य सिद्ध हो जाए। सुमिर मुझे विश्वास से लाभ तुझे हो जाए। चिंतित मेरी अस्थियां तेरे कष्ट मिटाए। बाबा के निर्वाण पर भक्त न होए उदास। सदगुरु साईं अस कहें रहूं तुम्हारे पास। प्रार्थना बाबा जी के पद कमल कभी न विस्मृत होए। जन्म मरण के चक्र से जब छुटकारा होए। इंद्रिय सुख के वास्ते आकर्षित ना होए। कृपा करे साईं प्रभो दूर वास ना होए। मीत न कोई पूत भी काम हमारे आए। एक अकेले साईं ही होंगे सदा सहाय। अहंकार अब ना रहे मन में न होए अशांत। साई बाबा नाम ले हो जाए चित शांत। उजियारा हो ज्ञान का साथ रहे श्रीनाथ। नाथ हमारे साथ में मस्तक पर हो हाथ। गत जन्मों के कर्म शुभ साई होए सहाय। साई लीला पान कर निद्रा से जग जाए। अन्ना के दो प्रश्न थे साई चरणों बैठ। साई ने उत्तर दिए रहे ध्यान में फेंट। लाखों नर नारी यहाँ दर्शन करने आए। क्या सारे ही भगत के साई कष्ट मिटाए। बौर लगे जिस पेड़ में आम सभी ना होए। बौर यदि सब आम हो गिनती कैसे होए। यदि साई निर्वाण ले अन्ना तो लुट जाए। बिना आसरे में रहूं मेरा कौन सहाय। श्रद्धा और भक्ति सहित याद हमारी होए। वहीं मिले हम उसी समय याद जहां से होए। चोरी हो है मांड घर बहना मृत्यु समाए। भाई उनसे पृथक हो पागल से हो जाए। पागल से हो जाए साईं के उपदेश से कुछ हिम्मत आ जाए। चोर माल लौटाए कर क्षमा मांगता जाए। बाबा जी अपने वचन सदा निभाते आए। और समाधि बाद भी राहत
दिखाते जाए, राह दिखाते जाए, राह दिखाते जाए। श्री सदगुरु साईं शुभम अवतु। बोली सच्चिदानंद सदगुरु साईं नाथ भगवान की दया हो, माता पिता गुरुदेव की दया हो, बाबा जी की कृपा हो, कृपा हो, कृपा हो, सबका भला हो। ओम साईं राम।